हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन मकान डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अवधेश सिंह सेंगर। बहुत दिन हो गए थे, कोई वीडियो नहीं बनाया था। आप लोग भी देख रहे होंगे चैनल पे, कोई वीडियो नहीं आ रहा था। तो आज मैं आया हूं आमरा रेजिडेंसी। टाइम निकाल करके, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैंने कहा जल्दी सुबह उठ करके आज तो ब्लॉग करना ही करना है, वीडियो बनाना है। तो मैं आमरा रेजिडेंसी आ चुका हूँ, जो कि आमरा रेजिडेंसी अपना बड़े गाँव जो हाईवे है, जो अपना AB रोड बाईपास है, उस पुल के लगभग 500 मीटर आगे चलने पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाती है, अगर मुरार की तरफ से आप आते हैं आर्मी एरिया से। तो यहाँ पर ये कॉलोनी बनी हुई है, गेट बंद फार्म 4 कॉलोनी है। तो आज इसका व्यू मैं आपको देने वाला हूँ, कैसा क्या है, अंदर में क्या प्राइस चल रहा है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। तो आइए चलते हैं, आपको वीडियो दिखाता हूँ, अंदर पूरा व्यू कराता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये है बाईपास जिस पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। तो ये जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको बता दूँ, इधर से अपन जैसे डबरा की तरफ से आएंगे तो डबरा की तरफ से भी आ सकते हैं, या अपन शिवपुरी जाना चाहें तो शिवपुरी भी जा सकते हैं, कानपुर जाना चाहेंगे तो कानपुर जा सकते हैं, और इंदौर वगैरह जो भी जाना चाहें। ये आगरा बॉम्बे हाईवे जिसे बोलते हैं, तो ये आगरा बॉम्बे बाईपास है, बाईपास के ऊपर ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा रेजिडेंसी। और आपको बताना चाहूँगा, जो ये वाला रोड है, इस तरफ दिखाएंगे तो इस तरफ अगर आप मुरैना की तरफ से आ रहे हैं या भिंड की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला रोड आएगा, जो कि लक्ष्मणगढ़ से आपको सिर्फ भिंड की तरफ से आते हैं तो आपको लेफ्ट में टर्न लेना रहता है और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये ऑन रोड कॉलोनी है पूरी, जो मैं आपको अभी दिखाऊँगा, और पास में ही आपको दिखाऊँगा, सामने ये बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, ये HG इमरॉल्ड ग्रीन है। तो ये इमरॉल्ड ग्रीन का प्रोजेक्ट है, जो कि बिल्कुल नज़दीक में ही लगा हुआ है। और आपको बताना चाहूँगा, आमरा रेजिडेंसी के लिए ये एक साइन बोर्ड भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड दिया हुआ है। यहाँ से एक 20 फीट का रास्ता जा रहा है जो अंदर में ले जाता है कॉलोनी। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है, तो ये अंदर में कैंपस बना हुआ है। और इसके आसपास और नज़दीक की बात करूँगा इस हाईवे पर, तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा एक बारी, ज़रा कैमरा इधर करके दिखाएंगे। देखिए, इसके सामने ये कच्चा प्रोजेक्ट है, ये आपको पिलर्स दिख रहे होंगे और कुछ रोड वगैरह भी इन लोगों ने डाल दी हुई हैं, तो ये सारा कुछ इन्होंने किया हुआ है। तो ये लोग कच्ची कॉलोनी काट रहे हैं, जो डाइवर्जन नजूल वगैरह वाली कॉलोनी रहती हैं, तो फार्म 4 नहीं है, और ये आमरा रेजिडेंसी पूरी फार्म 4 कॉलोनी है, जो कि मैं अभी अंदर ले चल करके आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा एंट्री गेट है, इसमें दो गेट दिए हुए हैं, आप सामने देख रहे होंगे। एक बड़ा गेट है कि आपको कोई कार वगैरह अंदर ले जानी है उसके लिए, सेकंड गेट है कि आपको पैदल सिंगल अकेले अंदर जाना है तो दूसरा उसके लिए है। और साइड में आप देख रहे होंगे पूरी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, गेट बंद कॉलोनी है तो बाउंड्री पूरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो ऐसी कुछ दिखती है आमरा रेजिडेंसी। और मैं आप कैमरामैन से हमारे बोलना चाहूँगा, ऊपर में देखिए आमरा रेजिडेंसी जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, तो आई थिंक ये संजीव शर्मा जी का नंबर है, जो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने इस कॉलोनी को डेवलप किया था। तो उनका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को परचेज़ करना है यहाँ पर प्लॉट तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए, अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और पूरा अंदर का व्यू, कैसी क्या रोड्स बनी हुई हैं, क्या लाइट्स है, क्या पानी की व्यवस्था है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले एंट्री करते ही ये देखिए, आपको मेन रोड है 40 फीट का, तो इस 40 फीट की मेन रोड पर इन्होंने क्या किया हुआ, बीच में पोल दे दिए हैं, इधर साइड में 20 फीट का और इधर साइड में 20 फीट का, तो ऐसे टोटल ये 40 फीट का मेन रोड है बीच वाला। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पोल बीच में लगा दिए हैं, DP वगैरह प्रॉपर लगी हुई हैं, लाइट्स का प्रॉपर प्रावधान है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2-3-4 घर भी बन गए हैं, एक एक कॉर्नर पर आपको दिख रहा है, एक इसके बगल में आपको दिख रहा है, तो ये मकान भी बन चुके हैं। अब आइए अंदर ले चलता हूँ, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कैसे क्या गार्डन बने हुए हैं, क्या क्या और अंदर में फैसिलिटी दे रखी है। तो दोस्तों, इधर साइड में आप देख सकते हैं, ये लगभग मेरे हिसाब से 25 फीट का रोड रहेगा बीच वाला, तो मेन जो रोड है वो 40 का है, बाकी साइड साइड के रोड 25 फीट के दिए हुए हैं। और इधर आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं साइड में ये चैम्बर दिया हुआ है, तो आपको सीवर का चैम्बर भी दिया हुआ है, तो रोड भी प्रॉपर बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये डामर की रोड इन्होंने बना रखी है, और चैम्बर भी प्रॉपर दिया हुआ, लाइट इलेक्ट्रिसिटी के पोल भी एकदम प्रॉपर लगे हुए हैं। और अभी चूंकि ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, प्लॉट्स की नींव भरी पड़ी हुई हैं काफ़ी लोगों की, लेकिन ये सारा आपको पता ही है, बरसात में सारी चीज़ें आ जाती हैं, उग जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब आइए आगे
थोड़ा सा ही आगे चलने पर एक गार्डन मुझे दिख रहा है, तो आइए मैं आपको गार्डन का व्यू कराता हूँ, गार्डन दिखाता हूँ आपको कैसा क्या इन्होंने गार्डन डेवलप किया हुआ है। ट्रीज़ वगैरह भी दिख रहे हैं कि हाँ ट्रीज़ लगाए हुए हैं, तो आइए गार्डन दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये गार्डन आ चुका है, तो ये जस्ट नज़दीक में ही गार्डन है, इसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है 2 से 3 गार्डन इसके अंदर दिए हुए हैं। गार्डन के अंदर सिटिंग एरिया भी आपको दिख रहा होगा, चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, बट ये कि गार्डन पूरा मेंटेन नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ 4-5 या कह सकते हैं कि टोटल 6 मकान बने हुए हैं यहाँ पर। तो जब ज़्यादा घर बन जाएंगे, लोग ज़्यादा रहने आ जाएंगे, तो आई थिंक तब ये अच्छे से डेवलप हो पाएगी, मतलब गार्डन वार्डन प्रॉपर मेंटेन रह पाएगा। क्योंकि बिल्डर तो क्या करते हैं, टाउनशिप बना देते हैं, लेकिन उसको मेंटेन हम लोगों को करना पड़ता है, जो वहाँ पर रहते हैं, जो रेजिडेंट होते हैं, उन लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। तो गार्डन डेवलप किया हुआ है और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा गार्डन है, जहाँ पर आप कोई भी आपके घर पर फंक्शन वगैरह होता तो आप टेंट लगा करके कोई भी प्रोग्राम भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा गार्डन है। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप चाहें तो इस कॉलोनी के अंदर अगर प्लॉट परचेज़ करते हैं, तो अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं तो ये स्टेट बैंक से अप्रूव्ड है, फार्म फोर कॉलोनी है तो स्टेट बैंक से अप्रूव्ड भी है, तो आप वहाँ से इजीली लोन करा सकते हैं, तो आपको भारतीय स्टेट बैंक से भी लोन मिल जाएगा। और बाकी पूरी मैं ज़्यादा अंदर ना ले जाते हुए यहीं से अपने वीडियो को विराम दूंगा। आप देख ही रहे हैं पूरे में वही रोड्स हैं, वही प्लॉट्स हैं, सारा कुछ, अंदर में भी गार्डन मुझे दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। और वीडियो बस इसलिए था, बहुत दिनों से वीडियो बनाए नहीं हुए थे, इसलिए आज मैं आया इधर वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा इस बड़े गांव वाले एरिया का वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर कच्चे प्लॉट आप लोग परचेज़ करते हैं तो करीब 500 से 600 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, जो डाइवर्जन नजूल वाले रहते हैं, और कहीं कहीं पर तो प्रॉपर नजूल और डाइवर्जन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे फार्म फोर प्लॉट, इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो अप्रोक्स आप 1000 रुपये में स्टार्टिंग में ये प्लॉट बिके हुए थे जब ये कॉलोनी लॉन्च हुई थी, तो अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से इसका प्राइस लगभग 1200 से 1300 रुपये पर स्क्वायर फिट होना चाहिए आज की डेट में। बाकी आप लोग डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं, संजीव शर्मा जी का मैं आपको नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।